नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम रेलवे साइंस स्पेशल प्रैक्टिस सितंबर 31 करने वाले हैं और आज भी हम 20 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज का टॉपिक अलग होगा। आज हम एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, यानी कि आज बात करें, आप एक टॉपिक जानते होंगे बायोलॉजी का है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। इसके टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हम अभी कंप्लीट करने वाले हैं 20 क्वेश्चंस के माध्यम से। बाकी 5-6 क्वेश्चन अलग है, लगभग 15 से 16 क्वेश्चन इस टॉपिक के हैं, ठीक है। और इसी टॉपिक में मैं कोशिश करूंगा पूरे टॉपिक को समझाने की अच्छे से, जिससे आपको कभी ना भूले। एक बात मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं फिर से आपको बोलता हूँ, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आप जब एग्जाम देने बैठोगे रेलवे का, जब भी होता है एग्जाम एनटीपीसी या ग्रुप डी का, आप अपने आप को साइंस में कमजोर नहीं महसूस करोगे। आप अपने आप को ऐसे जगह पे महसूस करोगे कि आपसे आपको लगेगा कि आपको लगभग सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपका बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि अभी आप सीखना शुरू किए हो, अभी आप 31 वीडियो तक पहुंचे हो, संडे टू संडे 4 वीडियो चल रही हैं, आप पीडीएफ से पढ़ाई कर रहे हो, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अभी ये 100-120 वीडियो जितना भी चलता है उसके बाद भी मैं आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एकदम इतना ट्रेंड कर दूंगा आपको साइंस में कि आप आसानी से 22 से 23 नंबर आप 25 में कंप्लीट कर लोगे और यही आपका मेरिट और यही आपका सिलेक्शन करा देगा साइंस, ठीक है। तो आशा है आप घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे, साथ में नोट्स भी बनाते रहो। एक बार और मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग साइंस के साथ मैथ और रीजनिंग की भी वीडियो अपलोड होती है उसको भी देखते रहो, ठीक है। साइंस तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैथ और रीजनिंग की जो प्रैक्टिस सेट चलती है 15 मिनट की 20 मिनट की, उसको भी आप लोग देखते रहो। साथ में अगर जो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा। और मैं जिस पीडीएफ की बात कर रहा था ये है, अभी 30% का डिस्काउंट चल रहा है, ले सकते हैं, 3-4 दिन और ऑफर रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद अपना जो प्राइस है वो हो जाएगा, ठीक। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बोला था, आज हम एक कंप्लीट टॉपिक देखेंगे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो उसी का आपके सामने पहला प्रश्न है, अनाक्षी श्वसन होता है। देखो बात करें श्वसन की, श्वसन तंत्र जब आप पढ़ोगे तो देखोगे श्वसन क्या होता है, ठीक है। श्वसन क्या होता है तो आपको एक लाइन में पता चलेगा, ग्लूकोज को विखंडित करके ऊर्जा प्राप्त करना क्या कहलाता, श्वसन कहलाता। तो इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे श्वसन की बात आती है, दो प्रकार से होता है, एक अनाक्षी श्वसन होता है, एक अनाक्षी श्वसन होता है, एक आक्षी होता है। अब यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना, आपके 3-4 प्रश्न आपके यहीं से हो जाएंगे। एक तो अनाक्षी श्वसन हो गया, एक तो आक्षी हो गया। श्वसन क्या होता है, ग्लूकोज को विखंडित करके ऊर्जा प्राप्त करना श्वसन कहलाता है। श्वसन दो प्रकार का होता है, अनाक्षी और आक्षी। देखो जब अनाक्षी श्वसन होता है तो क्या होता है, अनाक्षी श्वसन O2 की अनुपस्थिति में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन नहीं होता। लेकिन जब आक्षी श्वसन होता है तो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन होता है। उसके बाद जो अनाक्षी श्वसन होता है वो कहाँ संपन्न होता है, साइटोप्लाज्म में। कहाँ संपन्न होता है, साइटोप्लाज्म में। और आक्षी श्वसन माइटोकांड्रिया में संपन्न होता है, माइटोकांड्रिया में संपन्न होता है, ठीक है। तो ये दो ध्यान रखना। उसके बाद बात करें जो अनाक्षी श्वसन होता है उस कहाँ पे होता है, बीज में होता है, फलों में होता है और कुछ जीवाणुओं में भी संपन्न होता है, ठीक है। और अनाक्षी श्वसन की बात करें, इसके दौरान आपका कितना ऊर्जा मुक्त होता है, 56 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, इसको ध्यान रखना। यहाँ पे बात करें आपका आक्षी श्वसन की, तो इसमें कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो इसमें 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। और ये कहाँ पे संपन्न होती है, ये जीवों में और श्वसन क्रिया के दौरान संपन्न होती है, इसको आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अनाक्षी श्वसन में एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना है। अनाक्षी श्वसन मैंने बोला बीजों में होता है, फलों में होता है, कुछ जीवाणुओं में भी होता है, लेकिन मनुष्य के जो गहरी मांसपेशियां होते हैं उसमें भी अनाक्षी श्वसन होता है। आप देखते होंगे जब व्यक्ति दौड़ता है तेजी से या फिर कोई काम करता है चलते हुए तेजी से, तो उसके मांसपेशियों में एक जमा हो जाता है, एक अम्ल जमा हो जाता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टिक अम्ल, और वो लैक्टिक अम्ल थकान का कारण बनता है, ठीक है। अस्थाई उससे दर्द होता है। देखो अगर जो एक दो क्वेश्चन आप ध्यान रखना, अस्थाई मांसपेशियों में अस्थाई दर्द का कारक क्या होता है, अस्थाई दर्द जब भी पूछे तो ध्यान रखना लैक्टिक अम्ल। देखो मैं क्वेश्चन से हटके थोड़ा सा चीजें बता रहा हूं, इसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूं। लैक्टिक अम्ल अस्थाई दर्द का कारण पूछे तो ध्यान रखना यूरिया होता है,
ठीक है। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैंने पूछा अनाक्षी श्वसन होता है, अनाक्षी श्वसन O2 की अनुपस्थिति में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है और बीज और फलों में संपन्न होता है, यानी कि यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट नहीं, डाउट होना चाहिए, अच्छे तरीके से हम समझाएंगे आपको, क्लियर करेंगे एक एक पॉइंट, कहीं पे भी बाहर से आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपके एग्जाम में। ठीक, यहाँ पे टेलीग्राम जो लोग चलाते हो ये वाला ग्रुप है, आपको फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, PDF लेना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे पूछा आपसे, अनाक्षी श्वसन के दौरान निर्माण होता है। देखो, अनाक्षी श्वसन के दौरान एक तो मैंने बताया लैक्टिक अम्ल निर्माण होता है। लैक्टिक अम्ल कहाँ निर्माण होता है? मनुष्य के मांसपेशियों में। ठीक है, और ये क्या बनता है? अस्थायी दर्द का कारण बनता है, एक तो ये हो गया। और एक और निर्माण होता है एथिल अल्कोहल का। एथिल अल्कोहल का निर्माण कहाँ होता है? बीज फलों की भित्तियों में। आप एक चीज देखे होंगे, ध्यान देते होंगे, आपको पता है कि पेड़ पे फल है तो पक जाता है, लेकिन आम तोड़ के ला देते हो घर, वो पक जाता है। आलू आप रखते हो कुछ दिन तक, उसमें से भी अंकुरित होने लगता है, वो निकलने लगता है। आप देखो वो क्यों अंकुरित होता है? कहीं ना कहीं से वो श्वसन प्रक्रिया तो कर रहा होगा, और वो श्वसन कौन सी श्वसन होती है? वही आपका होता है अनाक्षी श्वसन। वही आपका क्या होता है? अनाक्षी श्वसन होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दो हो गया, एक तो अनाक्षी श्वसन का निर्माण होता है, एक तो एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, एक तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। एथिल अल्कोहल का निर्माण कहाँ होता है? बीजों में, फलों में, और लैक्टिक अम्ल का मनुष्य के मांसपेशियों में निर्माण होता है, यानी कि पहला और दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इंजॉय कर रहे हो, मजा आ रहा है सारे क्वेश्चन? ठीक है, साइंस में कमजोर नहीं होने देंगे, इतने अच्छे तरीके से हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक, नहीं मिलेगा आपको ऐसा वीडियो, खोजते रहो, आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, जो इतने तरीके से आपको एक्सप्लेन करके, ऐसे बहुत मिल जाएंगे कि आपको क्वेश्चन पढ़ा, आंसर बता दिया, चलो आगे चलो, ये चीज अच्छी नहीं लगती। ठीक है, पढ़ो तो ठीक ढंग से पढ़ो, आप चैप्टर वाइज नहीं पढ़ रहे हो, आप चीज़ों को एक्सप्लेन करके मतलब विस्तार से नहीं पढ़ रहे हो, थ्योरी नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन अगर जो आप MCQ टाइप का पढ़ा तो उससे रिलेटेड चीज़ों को जानते चलो। ठीक है, बोर नहीं होना, हम ज़्यादा नहीं लंबा वीडियो को खींचेंगे, अगर जो नोट्स बनाना हो नोट्स बनाते चलना। नेक्स्ट है, मांसपेशियों में अस्थायी दर्द का कारक बनता। देखो, अब इस क्वेश्चन को मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। तो लैक्टिक अम्ल जब भी आपसे पूछे मांसपेशियों में अस्थायी दर्द का कारक क्या होता है, तब आप तुरंत आँख बूंद के कहिएगा लैक्टिक अम्ल होता है। अगर जो आपसे पूछे अस्थायी दर्द का कारक क्या होता है, तो यूरिक अम्ल होता है। ठीक, तो ये भी क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आगे चले, अनाक्षी श्वसन संपन्न होती है। देखो, ये भी मैंने बता दिया था, अनाक्षी श्वसन संपन्न होती है आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, आक्षी श्वसन संपन्न होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अनाक्षी श्वसन की बात करें कहाँ पे संपन्न होती है? साइटोप्लाज्म में, लेकिन आक्षी श्वसन संपन्न होती है माइटोकांड्रिया में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक, इंजॉय कर रहे हो, ठीक है, मजा आ रहा है। अब यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान रखना है, एक तो मैंने बताया आक्षी श्वसन, एक तो मैंने बताया अनाक्षी श्वसन। अनाक्षी श्वसन के दौरान 56 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, और आक्षी श्वसन के दौरान 686, ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 686 किलो कैलोरी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 686 किलो कैलोरी आपका ऊर्जा मुक्त होता है। यहाँ पे बात करें, अब देखो हमारे शरीर में जितने भी अंग होते हैं, विशेषकर नाजुक अंग की बात करें, जैसे आपका हृदय के लिए मैंने बताया था, जो आपका दिल होता है, दिल के चारों तरफ एक सुरक्षा आवरण लगा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार आपके फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करने वाली झिल्ली लगी होती है, उसको क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, प्लूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूरा। नेक्स्ट चले, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। 7 है आपका, फेफड़े की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई क्या होती है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा वायु कोष्ठक। बहुत सारे वायु कोष्ठक पाए जाते हैं, कुछ इस प्रकार से होते हैं, अगर जो मैं एक वायु कोष्ठक बनाऊं, कुछ इस प्रकार के वायु कोष्ठक आपके फेफड़े में होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के वायु कोष्ठक आपके फेफड़े में गोल गोल होते हैं, ऐसे वायु कोष्ठक बने होते हैं, यही आपके फेफड़े की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, यही हमारा श्वसन में मदद करते हैं, यही हमारा क्या काम करते हैं, हमारा ये काम करते हैं आपका गैसों के विनिमय का, क्या काम करते हैं, गैसों के विनिमय का, यानी कि गैसों का विनिमय का मतलब क्या हो गया, तो ध्यान रखिएगा, हमारी जो रुधिर वाहिनियां होती हैं वो ब्लड लेके आती हैं, और उस ब्लड में क्या होता है, उस ब्लड में CO2 होता है, ये CO2 कहाँ चला जाता है, इस अलवली
में या फिर वायु कोष्ठक में, और वायु कोष्ठक से जो रक्त निकलता है फिर से उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है और वो फिर से शुद्ध होकर चला आता है, ठीक है। तो यानी कि ये आपका क्या काम करती है, गैसों के विनिमय का काम करती है। और बात करें इसका, मैंने बताया बहुत सारी संख्या में होती है, लगभग बात करें संख्या जो है इसकी 300 मिलियन ये वायु कोष्ठक पाई जाती है, कहाँ पे, फेफड़े में, हृदय में, ठीक। आगे चले, अगर जो ये क्लियर हो गया हो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, अब यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन की बात करें, इसको मैंने एक टॉपिक आया था उसमें मैंने बताया था। क्वेश्चन है आपका, हाँ, ऑक्सीजन के जो हम श्वसन प्रक्रिया, हम जो श्वसन प्रक्रिया करते हैं, जाहिर सी बात है आपको एक चीज पता रहना चाहिए, हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल में बात करें तो लगभग 78% के समथिंग आपका क्या है, नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन की बात करें 21% ऑक्सीजन है, और तीसरे नंबर पे आर्गन आता है, उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड आता है। हम कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें 0.03% आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। अब आप जब श्वसन प्रक्रिया करोगे या सांस लोगे तो आपको पता कि आप ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो, लेकिन ऑक्सीजन लोगे तो आपके जो वायुमंडल में गैस है सारे मिश्रण में है, तो सारी गैसें आपके अंदर जाएंगी, नाइट्रोजन भी जाएगा, ऑक्सीजन भी जाएगा और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा है ऑक्सीजन जो हम श्वसन प्रक्रिया में लेते हैं उसका कितना भाग हम उपयोग करते हैं। देखो, अब यहाँ पे जब भी आप सांस लेते हो तो आपका नाइट्रोजन भी आपके अंदर जाता है, ऑक्सीजन भी जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है, लेकिन जब बाहर निकालते हो तो 78 नाइट्रोजन लेते हो, पूरा का पूरा नाइट्रोजन आप बाहर निकाल लेते हो। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हो, लेकिन निकालते कितना हो, 4% निकालते हो, ये सोचने वाली बात होगी। और 21% ऑक्सीजन लेते हो तो पूरा का पूरा यूज नहीं करते आप, 17% बाहर निकाल लेते हो, यानी कि यूज कितना किया, 21% लिया, 17% निकाल दिया, यानी कि सिर्फ 4% हमने यूज किया, ठीक। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो इसको ध्यान रखिएगा, कहीं भी कोई पूछे तो आप भी पूछ सकते हो किसी से कि ये कैसे होता है, ठीक है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, 9 है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की सर्वाधिक परिवहन होता है। देखो यहाँ पे बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का सर्वाधिक परिवहन जो होता है वो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर जो आपसे पूछे तो ये कितने कितने रूप में परिवहन होता है, तो आपका बाइकार्बोनेट के रूप में परिवहन होता है, एक तो ये हो गया, और बात करें दूसरा प्लाज्मा में घुलकर भी होता है, प्लाज्मा में घुलकर भी होता है, और तीसरा बात करें आपका कार्बोमिनो यौगिकों के रूप में होता है। लेकिन सर्वाधिक परिवहन की बात करें बाइकार्बोनेट के रूप में लगभग 70% होता है, प्लाज्मा में घुल के बात करें लगभग आपका 7% होता है, और बात करें कार्बोनिको में घुल के लगभग 23% होता है। तो यानी कि आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अच्छा लग रहा है ना, सारे क्वेश्चन अच्छे लग रहा है, तो लाइक कर दो वीडियो को और 5 लोगों को शेयर जरूर करना, ठीक है। और आप लोग, ये होता है यार, द वीडियोज मेहनत से करो, कोई भी वीडियो कंटेंट बनाने में 3 से 4 घंटे लगते हैं, और उस पर अगर जो टाइम दो और आप लोग रिस्पांस अच्छा नहीं देते, शेयर नहीं करते, थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है, इसीलिए गैप वीडियोज में होती है। अगर जो आप लोग हर वीडियो को शेयर करते रहो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं रेगुलरली कंटिन्यू करता रहूँगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, एक ग्लूकोज के अणु में विखंडन से तो कितने ATP का लाभ होता है, कितने ATP का लाभ होता है, तो ध्यान रखिएगा टोटल यहाँ पे आपका 38 ATP का लाभ होता है, 38 ATP का लाभ होता है जब आप अंतः श्वसन करते हो। तो दो प्रकार से इसमें होते हैं, एक तो क्रेप्स, एक तो ग्लाइकोसिस चक्र में होता है, ठीक है, ग्लाइकोसिस चक्र होता है, एक आपका होता है क्रेप्स चक्र अंतः श्वसन में, एक तो क्रेप्स चक्र होता है। ग्लाइकोसिस चक्र में बात करें 2 ATP का शुद्ध लाभ होता है, 2 ATP का शुद्ध लाभ होता है, और ये ग्लाइकोसिस चक्र जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, O2 यहाँ पे नहीं होता। क्रेप्स चक्र की बात करें, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, और इसमें कितने ATP का लाभ होता है, तो इसमें ध्यान रखना 2 पाइरोबिक अम्ल का निर्माण होता है, 2 पाइरोबिक अम्ल का निर्माण होता है, और 1 पाइरोबिक अम्ल बराबर 18 ATP, यानी कि 2 पाइरोबिक अम्ल बराबर 36 ATP, 36 ATP क्रेप्स चक्र से, ग्लाइकोसिस चक्र से 2 ATP, यानी कि टोटल 38 ATP का यहाँ पे शुद्ध लाभ हो जाता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य दशा में सांस लेने पर कितने यमल वायु फेफड़े में प्रवेश करती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसको,
आप सिंपल तरीके से बैठे हो, साधारण हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सांस नहीं फूल रही है, आप काम भी नहीं कर रहे हो, तो आप जो सांस लेते हो उसमें कितना वायु अंदर लेते हो, तो ध्यान रखिएगा हमेशा 500 ml, कितना 500 ml। और इस दशा को क्या बोलते हैं, जब आप सामान्य दशा में ये 500 ml सांस लेते हो तो इसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड और भी चीज़ें आने वाली हैं, फेफड़े में बात करें। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गए, फेफड़े में जो वायु रिजर्व होती है उसे क्या कहते हैं। देखो यहाँ पे बात करें फेफड़े की, सामान्य दशा में आपने 500 ml सांस लिया, जब आप गहरी सांस लेते हो तो लगभग कितना लेते हो। देखो सामान्य दशा में सांस लिया 500 ml, इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, जब आप गहरी सांस लेते हो तो टोटल कितना वायु अंदर लेते हो, 3500 ml, और इसको क्या बोलते हैं, वाइटल वॉल्यूम, वाइटल वॉल्यूम। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, आपने सामान्य सांस लिया 500 ml, गहरी सांस लिया 3500 ml, सामान्य दशा में सांस लिया तो इसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, गहरी सांस लिया 3500 ml इसको वाइटल वॉल्यूम बोलते हैं। एक बात और हमेशा ध्यान रखना, फेफड़े के अंदर बात करें, कुछ वायु हमेशा क्या होती है, रिजर्व होती है, रिजर्व होती है, और इस रिजर्व वॉल्यूम को बोलते हैं रिजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, रिजिडुअल, यही आपका क्वेश्चन है, रिजिडुअल वॉल्यूम। और ये लगभग कितना रिजर्व रहता है, तो 2300 ml लगभग रिजर्व रहता है, कभी इमरजेंसी में आपको सांस लेने में दिक्कत होती है तो ये काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, फेफड़े में जो वायु रिजर्व होती है उसको क्या बोलते हैं, तो रिजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी कितना होता है, लगभग 2300 ml रिजर्व होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस प्रकार से एक चीज़ अगर जो पूछे, फेफड़े का कुल सामर्थ्य कितना होता है, देखो यहाँ पे टोटल आप यहाँ पे गहरी सांस लेते हो तो 3500 ml तो ले लेते हो गहरी सांस में, और रिजर्व कितना रहता है, 2300 ml, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 5800 ml। ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, आगे चले। ठीक है, आशा है सारी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। ग्लाइकोसिस है, इलाइकोसिस नहीं, इसको सही कर लीजिएगा। ग्लाइकोसिस चक्र में कितने ATP का शुद्ध लाभ होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, 2 ATP का ग्लाइकोसिस चक्र में, और क्रेब्स चक्र की बात करें उसमें 2 पायरोबिक अम्ल का निर्माण होता है, और 1 पायरोबिक अम्ल बराबर 18 ATP, यानी कि 2 पायरोबिक अम्ल बराबर 36 ATP, यानी कि 2 आपका ग्लाइकोसिस चक्र में और 36 आपका क्रेब्स चक्र में, टोटल 1 ग्लूकोज के विखंडन से आपका 38 ATP का शुद्ध लाभ होता है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, आगे चलें। क्रेब्स चक्र अंतः श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है, ये भी मैंने बताया था ना, ये होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जो ग्लाइकोसिस चक्र होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, क्रेब्स चक्र ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना, देखो ये अस्थाई दर्द का कारण बनता है, जब यूरिक एसिड हो जाता है इकट्ठा, और ये होता है आपका गठिया, गठिया जब हो जाता है व्यक्ति को तो वो हमेशा दर्द करता रहता है और कुछ टाइम में आदत सी बन जाती है। आगे चलें, हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, हाइपरटेंशन शब्द प्रयोग किया जाता है उच्च रक्तचाप के लिए। ठीक है, उच्च रक्तचाप के लिए, या रक्तचाप बढ़ने पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चले, रेडियो सक्रिय तत्व है स्ट्रॉन्शियम 90 का कारण कौन सा कैंसर होता है, तो स्ट्रॉन्शियम 90 की बात करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है शेयर करते रहो यार, इतना मेहनत करना, इतनी अच्छे से चीज़ें बनाना, और आप लोग ये 1000 व्यूज, मतलब समझ में नहीं आता क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, मैथ के वीडियोज़ नहीं देखते, रीजनिंग के वीडियोज़ नहीं देखते, साइंस का तो चलो ठीक है, अच्छा खासा होता है, लेकिन आप लोग थोड़ा और एफर्ट लगाओ, शेयर करो जो भी दोस्त हैं आपके, जो भी चीज़ें, और अच्छा कंटेंट मैं लेकर आऊँगा, और मैंने आपको भरोसा दिया है, मैं उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। तो क्वेश्चन आपका, रेडियो सक्रिय स्ट्रॉन्शियम 90 के कारण कौन सा कैंसर होता है, तो त्वचा का कैंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे चले, मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है, तो ये प्रभावित करता है मस्तिष्क को, किसको, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। आगे चले, दिल का दौरा किस कारण से होता है, तो हृदय पर जीवाणुओं का हमला होने से होगा, नहीं ये गलत हो जाएगा, हृदय गति का रुकना, नहीं ये भी गलत हो जाएगा, ये तो हार्ट अटैक हो गया हार्ट अटैक, लेकिन कुछ बच्चे इसमें हृदय गति का रुकना सीधा इसको आंसर लगा देंगे, लेकिन आपका इसमें होगा हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी होगी तभी तो हृदय गति रुकेगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें,
किस कारण से स्टोन कैंसर होता है। स्टोन कैंसर यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखो तो अम्ल वर्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आशा है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कहीं पे किसी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा अच्छे से क्लियर कर दूं। वैसे सारे क्वेश्चंस को मैंने अच्छे तरीके से कराया है। अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।